सरकार ने जीएसटी की इनवाइसिस में बदलाव करने के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब आपको इनवाइस में क्यूआर कोड भी देना पड़ सकता है। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 31 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि टैक्स इनवॉइस कब इशू करनी है, टैक्स इनवॉइस को किस प्रकार इशू करना है, इसके लिए सीजीएसटी रूल्स में बताया गया है। रूल 46 टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए और किस प्रकार इशू करनी है। रूल 46A बताता है कि यदि कोई व्यक्ति एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहा है और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है तो इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। रूल 49 में बिल ऑफ सप्लाई के लिए प्रोसीजर बताया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, उसके लिए क्या कंटेंट्स होने चाहिए यहाँ पे बताया गया है। रूल 53 में रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट और डेबिट नोट्स के लिए रूल बताए गए हैं कि किस प्रकार के कंटेंट्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट और डेबिट नोट्स में होने चाहिए। रूल 54 स्पेशल केसेस में टैक्स इनवॉइस बताता है कि किस प्रकार बनानी है, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में, और जो व्यक्ति पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाई कर रहा है उसके लिए यह रूल अप्लाई होता है। सरकार ने रूल 46 और रूल 49 में अब अमेंडमेंट की है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 28 जून 2019, जिसमें कि CBIC ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4th Amendment रूल 2019 नोटिफाई किए हैं। यह रूल उस दिन से इफेक्टिव हो जाएंगे जब यह ऑफिशियल गजट में पब्लिश होंगे, लेकिन यदि रूल्स में ही कोई डेट प्रोवाइड की गई है तो उस डेट से ही यह जो नोटिफिकेशन है उस रूल के लिए अप्लाई होगा। CBIC के द्वारा रूल 46 में 5th प्रोविजो के बाद 6th प्रोविजो इंसर्ट की गई है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मेंशन्ड देयरिन स्पेसिफाई दैट द टैक्स इनवॉइस शैल हैव क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी लेकिन इसके लिए जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन लेगी और उसके बाद ये नोटिफिकेशन इशू करेगी, जिसमें के कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन मेंशन किए होंगे और आपको टैक्स इनवॉइस में क्विक रिस्पांस कोड मेंशन करना होगा। ये जो प्रोविज़न इंसर्ट की गई है रूल 46 में, इसके लिए अभी तक डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार डेट के लिए नोटिफिकेशन इशू कर देगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी सरकार ने यहाँ पे ये प्रोविज़न जरूर डाल दी है कि आपको टैक्स इनवॉइस में क्विक रिस्पांस कोड जो है मेंशन करना होगा, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस होगी, किस व्यक्ति को क्विक रिस्पांस कोड मेंशन करना होगा और किसे नहीं मेंशन करना होगा, इसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें कि कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की जाएंगी। हो सकता है कि सरकार सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन के लिए ही क्विक रिस्पांस कोड लागू करे, या फिर हो सकता है कि टर्नओवर की लिमिट स्पेसिफाई कर दे कि स्मॉल टैक्स पेयर को क्विक रिस्पांस कोड को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ लार्ज टैक्स पेयर को ही क्विक रिस्पांस कोड मेंशन करना हो अपने इनवॉइस में। इसके अलावा सरकार ने रूल 49 में भी प्रोविज़न इंसर्ट कर दी है। 3rd प्रोविज़न के बाद 4th प्रोविज़न इंसर्ट की गई है। रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करता है या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी होती बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। उस केस में भी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न इंसर्ट की गई है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उस जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें के कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन मेंशन की होंगी और बिल ऑफ सप्लाई में भी आपको क्विक रिस्पांस कोड जो है वो मेंशन करना होगा, लेकिन इसके लिए भी जो डेट है वो नोटिफाई की जाएगी बाद में। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूल 46 से इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, लेकिन सरकार ने रूल 46A में क्विक रिस्पांस कोड को मैंडेटरी नहीं किया है, यानी कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रूल 46A है, यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई करता है और एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई करता है तो उस केस में वो
इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि सिर्फ B2B के केस में ही क्विक रिस्पांस कोड जो है इनवॉइस के अंदर मेंशन करना जरूरी हो, जबकि यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को यानी कि यदि B2C की ट्रांजेक्शन की जा रही है तो उस केस में क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है इनवॉइस में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको रूल 54 का भी ध्यान रखना है, CGST रूल 2017 ओके, इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि QR कोड इनके लिए मैंडेटरी होगा, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यदि कोई इनवॉइस इशू करेगा तो उसके लिए QR कोड मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि रूल 54 को नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए QR कोड को मेंशन करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि इनके लिए रूल 46 की जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में टैक्सेबल सर्विस अप्लाई करता है तो उसके लिए भी QR कोड को देना जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसके इन्हें भी वो सभी जो कंडीशन है वो कॉम्प्लाई करनी होती हैं जो कि रूल 46 में मेंशन की गई हैं। अब रूल 46 में QR कोड को देना होगा, इसलिए इन्हें भी QR कोड को देना मैंडेटरी हो सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अप्लाई कर रहा है तो उसे भी रूल 46 की जो कंडीशन है वो कॉम्प्लाई करनी है, तो उसके लिए भी QR कोड को देना मैंडेटरी हो सकता है। इसके अलावा रूल 53 CGST रूल 2017 को भी नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है 31/2019 सेंट्रल टैक्स में, इसलिए यदि कोई व्यक्ति रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करता है तो सभी QR कोड नहीं देना है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करनी होती है। यदि व्यक्ति GST रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाता है तो उसने यदि पहले इनवॉइस इशू की हुई है तो उसके GST का नंबर लेने के बाद वो दोबारा से रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता है GST चार्ज करके, क्योंकि 30 डेज का टाइम होता है GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, इसलिए पुराने पीरियड के लिए वो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट इशू कर रहा है तो उसके लिए भी QR कोड को मेंशन करना जरूरी नहीं होगा क्रेडिट या डेबिट नोट में, क्योंकि नोटिफिकेशन में रूल 53 का मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में रूल 55 CGST रूल 2017 का भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है बिना इनवॉइस को इशू किए हुए, जैसे कि यदि जो वर्क गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है या फिर लिक्विड गैस की सप्लाई की जा रही है या फिर गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है और रीजन सप्लाई करना नहीं है, तो उस केस में आप डिलीवरी चालान के बेसिस पर जो गुड्स है वो सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी QR कोड को मेंशन करना जरूरी नहीं किया गया है, इसलिए डिलीवरी चालान में भी आपको QR कोड को देना जरूरी नहीं होगा। इससे पहले हमने आपसे ये अपडेट शेयर किया था कि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि QR कोड बेस्ड पेमेंट मेथड जो है वो लागू किया जाए और UPI के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 56 मेंबर बैंक हैं जिससे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है बैंक्स के बीच में की जा सकती है, ताकि IFSC कोड को एंटर करने की या फिर दूसरी जो बैंक डिटेल है उसे एंटर करने की आवश्यकता ना पड़े। सरकार का ये कोशिश है कि B2C ट्रांजैक्शन के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया जाए, ताकि कस्टमर्स को GST के बेनिफिट जो है वो पास ऑन किया जाए, क्योंकि अगस्त 2018 में GST काउंसिल ने डिसाइड किया था कि यदि डिजिटल ट्रांजेक्शन से पेमेंट की जाती है तो कस्टमर को इंसेंटिव दिए जाएंगे, यानी कि 20% GST का अमाउंट वापस किया जाएगा और मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक वापस किया जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल का कहना था कि इंडियन इकोनॉमी में रूरल कंज्यूमर ज़्यादा है, यानी कि गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये जो QR कोड मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा हमने आपसे ये भी अपडेट शेयर किया था कि सरकार जल्द ही B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए ई इनवॉइस को मैंडेटरी कर देगी, इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार B2B ट्रांजेक्शन्स के केस में ई इनवॉइस आपको ईवे बिल पोर्टल से हो सकता है जनरेट करनी पड़े, इसके लिए भी जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके बारे में हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं।